अन अकेडमी के इस मंच पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी क्रैक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ओवर हेयर। इस मंच पे मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए बिल्कुल भैरव जी गुड इवनिंग। कल आप सबको जो ऑडियो की शिकायत आ रही थी, आज मेरे ख्याल से ऑडियो की शिकायत नहीं रहेगी, मेरी आवाज़ भी क्लियर होगी क्योंकि बिकॉज ये लैपटॉप पर क्लास ले रहा हूँ और LED पे जो आपका माइक आने के बाद जो माइक डिस्पैच हुआ है मेरा, माइक जैसे रिसीव होगा मैं आपकी क्लासेस वापस LED पे स्टार्ट कर दूंगा। तो किसी तरह की तकनीकी समस्या ना रहे और क्लियर कट आप स्क्रीन शॉट भी ले पाएँ, इसीलिए इंटेंशनली मैं यहाँ पे क्लास आपकी लैपटॉप पे ले रहा हूँ। आई थिंक आवाज़ भी क्लियर होगी आपको और कोई समस्या नहीं होगी। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बहुत काम किया है। पहले किताब भी मेरी मार्केट में है और आप मेरे ऐप पे भी मैंने अपलोड कर दिया है RAS 360 के नाम से, यही मेरा नाम ऐप है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की RS मेंस किताब यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भाई गुड इवनिंग लोकेश जी, RAS के नोट्स कहाँ मिलेंगे? लोकेश जी आप एक काम कीजिएगा, देखिए नोट्स का बता रहा हूँ आपको मैं, RS मेंस के लिए RAS 360 ऐप यहाँ पे शुरुआत मैंने करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। कल जो है आपके यहाँ पे लॉ, कल इस ऐप पे लॉ के जो टॉपिक है वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक अपलोड करी है, कल जो है लॉ जो आपके सिलेबस आ रहे हैं इसमें उसका टॉपिक भी पूरा अपलोड हो जाएगा अप टू डेट एज पर सिलेबस। बुक का प्रीव्यू भी रखा है मैंने वहां पे, उस ऐप में जाके आप उसे देख सकते हो। और उसके साथ जो मैनेजमेंट का और एथिक्स का कुछ पोर्शन जो मेरा बचा था उसको दोबारा से नया बैच मेरा आ रहा है। 1 तो 21 दिसंबर को आया था नया बैच, 10 जनवरी से नया बैच आपका 10 जनवरी से लॉन्च हो चुका है अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे। कोड एनएविटन इस्तेमाल करके मेरे बैच को देख सकते हो, प्लस वीडियोस PDF पुराने सारे भी देख पाओगे। 10 जनवरी से एथिक्स और मैनेजमेंट का एक और नया बैच जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे इस बार आपको करवानी है एग्जाम से पहले। तो ये काम और एथिक्स पे पहले भी काम करा है, एक बैच 15 नवंबर को भी आया था, उसको भी आप NAV10 कोड करके इस्तेमाल करके वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आप देख भी सकते हो। तो ये बेसिक बात। तो मेरा जो अनुभव यहाँ पे UPSC वाला और RPSC का विशेष तौर पर देने का आपको प्रयास और कोशिश करूंगा इन सभी जो अभी आने वाले दिन है उसमें पूरा ईमानदारी से आपको यहाँ पे हम चीज दे सके। खैर टॉपिक पे आते आते हैं, तो जो बात सिलेबस की है वो करेंगे। उससे पहले एक बेसिक सी बात कि एक साल की फीस अन अकेडमी की पड़ती है 6,300, दो साल की पड़ती है 7,560 और ये 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में आपको मेरा कोड NAV10 इस्तेमाल करने के बाद। और इससे आप अन अकेडमी का कोई भी कोर्स लेते हो, ऐसा नहीं कि इस कोड का इस्तेमाल करके आप सिर्फ RAS का किसी भी लेक्चर का कोई भी टॉपिक किसी भी एजुकेटर का कोई भी लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप एक्सेस कर सकते हो कोड NAV10 को इस्तेमाल करने के बाद। ये नया बैच मेरा 10 जनवरी से आ चुका है, ये लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप प्रीव्यूज का देख सकते हो अन अकेडमी के प्लस कोर्स। मैनेजमेंट और एथिक्स का नया बैच 10 जनवरी से स्टार्ट मेरा हो चुका है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका देखिए इंग्लिश में RS मेन पे कैसे नंबर लें, भैरव जी मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, समय मुझे अधिकतर मैं RS के पेपर नंबर 2 पे ही पूरा फोकस किया मैंने पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि आपको आने वाले दिनों में एक तो अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस के थ्रू प्लस यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू भी मैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंटल वाइज चीजें प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम बिल्कुल 85% नहीं पिंटू जी, वो 90% तक है, वो 90% तक है। नहीं नहीं आप ढंग से देखना, वो 90% है पिंटू जी, वो तो बुक का प्रीव्यू है। अगर आप पूरी बुक देखोगे उसमें 90% तक है, 10% का मामूली पोर्शन बचा है वो मैं अपलोड कर दूंगा। साइंस एंड टॉपिक के कुछ टॉपिक जो मैंने PDF जो बुक में प्रीव्यू जो आप देख रहे हो, प्रीव्यू तो खाली एक दो टॉपिक का ही है, लेकिन पूरी बुक जो मैंने रखी है उसमें 90% तक कवर है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमारा जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक है इसके अंदर अगर आप ढंग से देखें तो खास तौर पे मैंने कल आपसे डिस्कस किया था लेटर राइटिंग, और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे उसी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में रिपोर्ट राइटिंग। बिल्कुल 60 नंबर में फोकस, बिल्कुल भैरव जी इस 60 नंबर पे ही फोकस कर रहा हूं
ये 60 नंबर बहुत क्रिटिकल है, मुझे पता है लोग इस ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं 20 नंबर के पीछे, और यहाँ पे फिर भी स्कोर 17-18 मैक्सिमम 16 तक आता है, यहाँ पे 60 नंबर में छोड़ देते हैं लगुना, ये लगुना बॉटल नेक आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो गैप है ना 60 मार्क्स का, इसको पूरी तरह से मजबूत करना है। तो यही काम कल मैंने लेटर राइटिंग में किया बेसिक्स, आज मैं आपसे रिपोर्ट राइटिंग क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग के सैंपल जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं दूसरे स्टेट पीएससी में, उसको भी समझेंगे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। तो आज हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिखना है, उसके सारे बेसिक फीचर्स। देखिए साथियों, सबसे पहली चीज ये है कि जो आप टेलीविजन में को टेलीकास्ट होता है वो क्या है, जो टेलीविजन में आप टेलीकास्ट देखते हो ना वो एक रिपोर्ट ही तो होती है। जो रिपोर्टर है वो पिछले दिन की या उस अगर रात को अभी अभी न्यूज आ रही होगी तो दिन की सारी गतिविधि बताएगा, तो वहां पे वो रिपोर्टर्स के इंटरव्यू दिखाते हैं। तो रिपोर्टर्स का मतलब जो वहां पे संवाददाता, उसने उस विटनेस आई विटनेस की तरह उसको देखा, या नहीं भी देखा तो उसने वहां पे जो लोग थे उनसे उनसे बातचीत की, और उसके आधार पे एक पूरा उसका लेआउट बनाया, और फिर वो सूचना उसने वहां पे उसको जो न्यूज एंकर है उसको दिया, न्यूज एंकर ने आपकी न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया। तो ये प्रोसेस, तो टीवी में आप न्यूज़पेपर में कल के न्यूज़पेपर में आप आज की अखबार पढ़ो, खबर पढ़ोगे, कल के अखबार में आप आज जो चीजें घटित हुई हैं उसकी उसकी सूचनाएं सुनते हो देखते हो, तो वो सब क्या है, वो रिपोर्ट ही तो है। अगर आज दोपहर में किसी एक पर्टिकुलर जयपुर में मालवीय नगर में कोई दुर्घटना होती है, जयपुर में किसी एरिया में फायर लगता है, या जयपुर में किसी एक एरिया में कोई आपकी आज बारिश हुई है, आज बारिश हो रही है दिल्ली में मैं हूँ बारिश हो रही है, जयपुर में बारिश हो रही है, तो वो किसी एक एरिया में मान लीजिए एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, तो इसको जो रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा वो पास्ट टेंस में करेगा। ठीक है, अभी बात करेंगे टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है इसमें, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो भी रिपोर्टर न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्ट देता है, जनरली जनरली रिपोर्ट आती है प्रीवियस डे की या पुरानी खबर, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव। जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट का पहला पहला फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव। जो टॉपिक पूछा है आपसे परीक्षा के अंदर, उस टॉपिक को कंप्लीटली आपने इंफॉर्मेटिव 360 डिग्री मैनर में पूरी बात लिखी है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपकी इनर फीलिंग आपकी जो खुद की बातें है ना वो निकल के नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं कि उस रिपोर्ट में आप प्लीज जुड़ाई या फिर ऐसा कुछ आप पक्षपात तरीके से या कुछ ऐसा पॉइंट आप लिख रहे हो जो आप खुद सोचते हो वो गलत है। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, आपकी पर्सनल फीलिंग्स पर्सनल उसके विचार उस टॉपिक के बारे में नहीं रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसा है रिपोर्टर चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, उसके मन में किसी भी रिलीजन के प्रति कुछ भी हो, लेकिन वो वही छापता है जो वो देखता है। ठीक है, फैक्चुअल डेटा होना चाहिए, और यही चीज जो रिपोर्टर लिखता है वो आपकी जो एग्जाम में रिपोर्ट आएगी वो फैक्चुअल डेटा इस तरह होना चाहिए जो एक्चुअल लगे, मतलब फैक्चुअल का मतलब यहाँ पे जो रियल सिचुएशन होती है ना, एग्जाम में जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपने रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेटा को लिखा है, जैसे अखबारों में असली में आता है, अखबार पढ़ोगे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी बात, आपके पर्सनल प्रीजुडिसेस आप कभी भी रिपोर्टर का देखना, वो बैलेंस वे में लिखते हैं, किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, वो किसी भी धर्म में बिलीव करते हो कुछ भी उनकी पर्सनल थॉट है उसके बारे में, लेकिन स्टिल जब वो रिपोर्ट लिखते हैं तो उनका प्रीजुडाइज कभी भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एक इम्पार्शियल वे में रिपोर्ट लिखते हैं। तो ये चीज है, अभी हम देखेंगे उसका फॉर्मेट क्या है, और कभी भी रिपोर्ट मिसलीड नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल डेटा होता है उसके अंदर, किसी भी चीज को दबाया नहीं जाता और किसी भी चीज को एक्सेसिवली या एग्जग्रेट या हाईलाइट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आप एक चीज के पीछे पड़ गए उसी को एग्जग्रेट कर रहे हो तो आपको एग्जामिनर वहां पे नंबर नहीं देगा, क्योंकि जो रिपोर्ट अखबारों में जो आती है उसमें अगर उस मुद्दा को छेड़ा है तो उस मुद्दे को वो उठाएगा एक दो बार, ये नहीं कि उसी वर्ड को पूरे उस रिपोर्ट में लिखते आ रहा है, तो मार्क्स आपके वहां पे कट जाएंगे। बिल्कुल, आरएस मेंस में इंग्लिश कॉपी मिला जाके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए भैरव सिंह जी, इंग्लिश के भी काफी कैंडिडेट्स हैं, वो डिपेंड करता है, आई थिंक अब तो 30-35% लोग इंग्लिश में देते हैं एग्जाम, जितने मेरे टच में लोग हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम दे रहे हैं। खैर एनीवे, हिंदी वाले भी बहुत छात्र हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, अब वो कोई फर्क पड़ता नहीं मीडियम का, जिस मीडियम में भी हो आप उस पर लिखो, बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, कोई भी मीडियम हो आपका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रिपोर्ट सर, क्या रिपोर्ट के टॉपिक को समरी में लिख सकते हैं? नहीं, पिंटू जी समरी में नहीं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना पिंटू जी, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर कट उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप जहां पे वो घटना घटित हुई है वो प्लेस डेट और टाइम। तो क्या बोला मैंने आपको? प्लेस डेट और टाइम। हम जब अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, उसमें सबसे पहले आपको प्लेस डेट और टाइम दिखेगा रिपोर्ट के अंदर। अखबार का पन्ना खोलना, तीसरा चौथा पेज डेली पेपर न्यूज़पेपर का, और उसमें देखना आपको दिखेगा, अगर मान लो किसी रिपोर्टर ने किसी एक्सीडेंट की न्यूज़ को कवर किया है तो शुरू की दो तीन लाइन में उसका नाम नाम नहीं रहेगा, तो उस न्यूज़पेपर का मतलब कि हिंदुस्तान टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसा लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी और प्लेस लिखा रहेगा। डेट और प्लेस तो 100% मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, कहां पे वो घटना घटित हुई है, इंसिडेंस आपका कहां पे वो बेसिकली हुआ है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे फिर आप देखोगे वो सारी चीजों को प्रॉपर सिंक्राइज मैनर में वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखता रहता है। उसमें रिपोर्टर का नाम भी ऊपर आता है और सबसे टॉप पे टाइटल। जब आपको एक बार पढ़ते हो अखबार में किसी भी एक्सीडेंट को रिपोर्ट देखो तो क्या लिखते हो कि 5 पर्सन डाइड इन एक्सीडेंट, 5 पर्सन डाइड इन एन एक्सीडेंट, इन एन हॉरिफिक एक्सीडेंट। तो क्या लिखेगा स्टार्टिंग में टाइटल में, उसका जिक्र करेगा उस बात का कि इतने लोग हादसे का शिकार हुए। तो टाइटल आपको एग्जाम में दे या ना दे, रिपोर्ट के टॉपिक को देखते हुए आपको टाइटल बहुत अच्छा फ्रेम करना है, ये पहली चीज है। टाइटल आपका बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी उसमें। अगर घटना जो है जनरली एक्सीडेंट की बात हो या कोई न्यूज को जो कवर करता है ये रिपोर्टर्स, ये प्रीवियस डे का पास्ट टेंस में कवर करते हैं क्योंकि वो घटना घटित हो चुकी है। लेकिन लेकिन मैंने आगे यहां पे लिख दी है लाइन आपको ब्रैकेट के अंदर, फॉर इंसिडेंट दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड, जो घटनाएं घटित हो चुकी है। RS 18 में जो सवाल आया था ना वो इंसिडेंट ऐसा था कि कोई ऐसी घटना नहीं है, वो डे टू डे जू की पब्लिक जू की स्थिति क्या है। तो कई बार ऐसे भी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कि पास्ट टेंस का नहीं है, वो एक इन जनरल पूछा है उसने, मतलब वो आज भी स्थिति वैसी है, सड़क की हालत ऐसी है, कल भी ऐसी थी। तो आपको वहां पे प्रेजेंट टेंस यूज करना है। लेकिन जब एक्सीडेंट का डेटा या कोई ऐसी घटना कवर कर रहे हो जो पहले घटित हो चुकी है, एक दिन पहले दो दिन पहले, उसमें आप पास्ट टेंस यूज करोगे। और रिपोर्टेड स्पीच में पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का ये अब याद रखें, खास तौर पे यदि पास्ट टेंस आएगा उसमें तो पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आपको यूज करने हैं। जितना हो सकता है उसमें जो कंसेप्ट रिपोर्ट का पूछा गया है उसके सारे कॉजेस प्रॉपर प्रॉपर रीजनिंग प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस, अपनी खुद की ओपिनियन एज पर टॉपिक। अपनी खुद की ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि पर्सनल आपकी राय नहीं, जो टॉपिक के अनुसार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, उससे संबंधित ओपिनियन लॉजिकल मैनर में डिजाइन करके आपको रिपोर्ट लिखना है इन ए लॉजिकल मैनर, और लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर। आप जब लिखोगे रिपोर्ट को तो वो मतलब एक ऐसे नहीं है कि पूरी काहे लिख रहे हो, इट शुड बी लेस फॉर्मल मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर। जब भी रिपोर्ट लिखी आती है एक स्कूल की मैगजीन में, आप देखना स्कूल की मैगजीन में भी कुछ लोग रिपोर्ट लिखते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में, वो डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे क्योंकि स्पेस ही नहीं है इतना। तो लेस फॉर्मल टू द पॉइंट कंसाइज एंड इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको कंसिक्वेंसेस ओपिनियन रीजनिंग कॉजेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर में फ्रेम करना है, ये है बेसिक। अपने आइडियाज को इस तरह प्रेजेंट करना है कि इंप्रेशन रिपोर्ट का एकदम प्रॉपर लगे और रिपोर्ट आपकी काफी इंटरेस्टिंग दिखे। ऐसी अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा आपको रिपोर्ट कैसे इंटरेस्टिंग बनती है। ये देखिए आपके सामने साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, एक आया आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, ठीक है, ये तो उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में आए दिन की बात है, उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में आए दिन की बात है। अभी भी कुछ दिनों पहले भी वो जो आपका मई में लास्ट ईयर ही, ठीक है, हमारे दो तूफान अरेबियन सी बे बंगाल में, एक तो आपका यश आया था और एक ताऊते आया था। तो साइक्लोन स्ट्रॉम जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश में तो खैर बहुत ज्यादा फिनोमिनन ये और फ्रिक्वेंटली बेसिस पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक रिपोर्ट आई है और साइक्लोन स्ट्रॉम से काफी हताहत हुआ, काफी नुकसान पहुंचा, आपको कवर करना है। आप वहां पर रिपोर्टर थे, आपको साइक्लोन स्टॉर्म की इस घटना को कवर करना है अपने न्यूज़पेपर के लिए। सबसे पहले आपने लिखो हेडिंग, क्योंकि आपको एग्जाम में देखा कि एक ऐसा इवेंट कवर करना है स्टॉर्म का जिसमें काफी लोग की डेथ हुई है और बहुत नुकसान हुआ है, तो आपने हेडिंग लिखी वहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म,
ठीक है, ये टाइटल है आपका, टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए, रिपोर्ट का टाइटल हमेशा छोटा, टू दी पॉइंट, दो या तीन वर्ड का एट मैक्स। दूसरी बात, जिस न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हो, आप ये लिख दो टाइम्स इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स न्यूज सर्विस, जो भी चाहो लिख दो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, अपने मन से अजम्पशन भी कर सकते हो क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलता। फिर थर्ड नंबर पे आप प्लेस का नाम लिखोगे, अगर लिख रहे हो जोधपुर की घटना, जोधपुर कॉमा डेट 5 जून, 6 जुलाई, 2 अप्रैल, तो देखो यहाँ पे मैंने प्लेस के बीच में और डेट के बीच में कॉमा लगाया है, ये कॉमा लगाना मत भूलना, प्लेस और डेट के बीच में कॉमा लगाया है यहाँ पे, और हेडिंग में आपका आ गया यहाँ पे हेडिंग के अंदर उस पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर का नाम और उसके बाद नीचे उस प्लेस का डेट का नाम। क्योंकि ये घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है तो हम पास्ट टेंस में कवर करेंगे इसको, इस रिपोर्ट को हम पास्ट टेंस में कवर करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए साइक्लोनिक स्टॉर्म स्ट्रक द सिटी एंड द एडजोइनिंग एरिया लास्ट इवनिंग, चूंकि ये घटना पहले की बता रहा है रिपोर्ट, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म कब आया, 5 जून को आया, लेकिन अखबार हमारे घर में आया 6 जून को, तो इसने कवर पास्ट टेंस में किया है, जो कि मैंने आपको पहले बेसिक बताया था, ए साइक्लोनिक स्टॉर्म स्ट्रक द सिटी एंड द एडजोइनिंग एरिया लास्ट इवनिंग। तो पहली चीज आपने वहां पे ये मेंशन कर दिया कि साइक्लोन कब आया था, भाई जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसको पता होना चाहिए कि साइक्लोन कब आया था, लास्ट इवनिंग को आया था। फिर आप क्या करोगे कि साइक्लोनिंग के, मैंने कहा ना कि जो भी घटना हुई उसकी कॉजेस, ब्रीफ में कॉजेस रीजनिंग भी दोगे, तो मैंने आपको नेक्स्ट में आगे इसकी कॉज रीजनिंग दिया है। फॉर द लास्ट फ्यू डे द मर्करी हैड शॉट अप 240 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं साइक्लोन जो आता है उसमें टेम्परेचर का बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर कम होता है, तो जो जियोग्राफी की बात है उस कंसेप्ट को आपने जस्ट एक लाइन में लिख दिया यहाँ पे। कुछ पिछले कुछ दिनों से अखबार वाले टेम्परेचर वर्ड ना यूज करके वो यूज करते हैं मर्करी, द मर्करी हैड शॉट अप अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर वॉज डिप्रेशन इन द एरिया। ये अखबारों की लैंग्वेज वही लिखनी है आपको, देयर वॉज डिप्रेशन इन द एरिया, वो कभी भी लो प्रेशर जोन नहीं लिखता, हमेशा अखबार वाले डिप्रेशन वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे रीजनिंग दिया कि कुछ पिछले कुछ दिनों से साइक्लोन तो कल आया, पर पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर मर्करी शूट अप होकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था और डिप्रेशन था सी में, डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया था वहां पे। फिर आपने यहाँ पे जब रिपोर्ट लिख रहे हो अखबार वाला, तो अखबार वाला जो है बंदा रिपोर्टर, वो आधिकारिक जो सोर्स है, अधिकारी है, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसने यहाँ पे आगे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी वो उन लोगों से कलेक्ट करी जो कि आधिकारिक अधिकारी हैं। तो ऑफिशियल सोर्सेस फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ऑफ चंडीगढ़, चूंकि घटना आपकी लुधियाना की है तो चंडीगढ़ में उसने गया और उस जो आपकी कैपिटल के जो अधिकारी थे उनसे उसे पता लगाया, द स्टॉर्म हैड लास्टेड ओवर 40 मिनट्स ब्लोइंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस। तो जाहिर सी बात है आधिकारिक पुष्टि तो हमें अधिकारियों से होती है, रिपोर्टर्स भी भले ही खुद विटनेस कर ले लेकिन स्टिल वो पुलिस के पास जाएंगे, उनका रिकॉर्ड करेंगे, बयान को लिखेंगे, वही चीज आपको लिखनी है यहाँ पे। तो ऑफिस सोर्सेस क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि स्टॉर्म जो था वो आपका तकरीबन 40 मिनट तक लास्ट किया, ब्लोइंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, अप्रोक्सीमेटली 4000 पीपल वर रेंडर्ड होमलेस। और आपने रीजन दे दिया ऑफिस सोर्सेस क्लर्क को, सेकंड स्टेप पे आपने मतलब उसे जोड़ दिया कि आप उसके पास गए, उसने बताया कि टेम्परेचर इतना बढ़ गया था और ये 40 मिनट तक रहा, और तीसरे स्टेप में आपने ये बताया कि तकरीबन 4000 पीपल जो है वो होमलेस हो गए इस घटना से। तो कैजुअलिटी का स्केल कितना है, अगर आप एक्सीडेंट बता रहे हो तो कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग आपके वैसे घायल हुए, डेटा पूरा कंप्लीट फैक्चुअल होना चाहिए। तो यहां पे रिपोर्टर ने लिख दिया कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4000 पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, वो बेघर हो गए लगभग 4000 लोग, यही आंकड़ा ज्यादा साइक्लिन स्टॉक में जनरली जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, फिर आपने क्या करा उसकी उस पूरे चीज को आगे और डिफाइन किया, टोटल 3 से 4 पैराग्राफ रिपोर्ट में, टोटल 3 से 4 पैराग्राफ जाते हैं एट मैक्स, एक पेज में इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट आपने लिखा कि 8, अब आपने इंटेंसिटी को फिर आगे बताया, एक्सप्लेन किया कि 8 गांव ऐसे थे जो साइक्लोन से पूरी तरह से फ्लैटेड मतलब नष्ट हो गए, काफी नुकसान पहुंचा इनको, 35,000 फार्मर्स इनहैबिटिंग दीज विलेजेस वर टेकन अनअवेयर बाय दिस स्टॉर्म। 35,000 फार्मर जो थे, फार्मर्स इस प्लेस पे जो इनहैबिट कर रहे थे वो इस स्टॉर्म से अनअवेयर थे और उनको नुकसान पहुंचा, उनके मर के हाउसेस, देयर मर हाउसेस एंड थेस्ट रूफ वर ब्लोन ऑफ। देखो अब फैक्चुअल चीज है, जब भी साइक्लोन आता है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, जो ज्यादातर जो किसान है बेचारे जो कोस्टल बेल्ट के पास रहते हैं उन्हीं को पहला नुकसान पहुंचता है क्योंकि उनके घर मिट्टी के बने होते हैं,
वो यहाँ पर डेटा यहाँ पे लिखा है, मर्डर हाउसेस एंड थेस्ट रूफ वर ब्लोन ऑफ इन दिस सिटी, 24 वुमेन वर रिपोर्टेड टू बी किल्ड। अब आप डेटा को इंट्रिकेसीज, टेक्निकल डिटेल्स कि 24 महिलाओं की पुष्टि हुई है, रिपोर्टेड, रिपोर्ट का मतलब इसकी पुष्टि की गई है, रिपोर्ट का मतलब है कि ये कहना किसी आंकड़े में आ रहा है, सरकारी आंकड़े में आ रहा है, 20 वुमेन पर रिपोर्ट टू बी किल्ड। कभी भी ये बात लिखना कि वर किल लिखना गलत है, हमेशा वर रिपोर्ट, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें रिपोर्टेड वर्ड ही लिखना, कभी मत लिख के ना भूल के भी दे वर किल्ड, वर रिपोर्टेड टू बी किल्ड, इतने रिपोर्ट में आया। भाई आपको कैसे पता, रिपोर्ट में लिखा हमने। द टोल ऑफ डेथ हैज बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट 50% अपार्ट फ्रॉम, अब ये भी एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया है क्योंकि जनरली एग्जैक्ट, देखो डेथ का डेटा जब भी आता है ना कि कैजुअलिटी होती है उसमें सरकार हमेशा एस्टिमेटेड अप्रोक्स वर्ड यही इस्तेमाल करती है, वही आपने भाषा चुनी है यहाँ पे। डेथ हैज बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट 50% अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। स्ट्रॉन्ग विंड रेज एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपने स्पीड बताई कि 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आपकी हवा साइक्लोन में चल रही थी। सिचुएशन फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गई और सिटी एंड द एडजोइनिंग एरिया वर लेस्ड बाय हैवी रेनफॉल, तो वो आसपास के एरिया भी उसकी चपेट में आ गए लेस बाय हैवी रेनफॉल। तो ये आपने कहा कि फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में फिर आप अगेन कि टोटल कितना नुकसान पहुंचा है, तो ऑफिशियल अगेन यहाँ पे ये मत लिख देना कि नियरली 5,000 पीपल वर अफेक्टेड। आपको कैसे पता, हमको पता लगा सरकारी आंकड़ों से, तो ऑफिशियल एस्टिमेट कंफर्म डेट नियरली 5,000 पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म। हमेशा जब भी अखबार वाले लिखते हैं ना तो सरकारी सूत्रों के अनुसार, सुना होगा ना आपने अखबारों में, एज पर गवर्नमेंट सोर्सेस अराउंड 5,000 पीपल वर किल, ऐसे लिख के। तो हमेशा यहां पे याद रखना यही रिपोर्ट में कुछ खास बात आने नहीं है आपको, एस्टिमेट वर्ड ऑफिशियल सोर्सेस से आधिकारिक पुष्टि, तभी वो डिफाइंड। जनरली अखबार वाला आपके मन से थोड़ी लिखता है, वो जो किसी से बात करता है या सपोज की कोई म्यूनसिपैलिटी का आदमी है या कोई उसमें सरकारी अधिकारी है, उसने तो बात करी, उससे रिकॉर्ड देखा, कॉपी ली और फिर उसके बेस पर रिपोर्ट बनाई अपनी, यही उसका आधार होता है, ताकि रिपोर्ट में ये कहीं से भी ना जाए कि उसकी खुद की सोच है, उसने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करी है। द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज हिंडर्ड बाय द टॉरेंशियल रेन दैट अकंपनीड द स्टॉर्म। इसमें ये बात खास ध्यान रखो, जो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, अब देखो जब आपने बताया कि भाई इतने लोग खतरे, तो सरकार भी कुछ कदम उठाया होगा, तो वो भी जिक्र करो कि रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो भी प्रयास किए गए, लेकिन वो टॉरेंशियल रेनफॉल था कि उससे वो कंप्लीटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हिंडर्ड ऑब्स्टेकल आया उसके अंदर। Those injured, अब जो इंजर्ड होते हैं साइक्लोन में उसके लिए क्या किया, दो इंजर्ड बाय फ्लाइंग डेब्रीज एंड फॉलिंग ऑफ रूफ्स वर एडमिटेड टू द वेरियस हॉस्पिटल, अब उनको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो ये खाली डेथ हुई ठीक है, पर आप इंजरी बताता हूँ साथ में कि इंजर्ड हुए उनको कहाँ पे डेथ अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल में जयपुर में भर्ती कराया गया, ठीक है। और एक और इंटेंसिफाई कर दो, क्योंकि खबर आपकी जून की थी, बिकॉज ए वेडिंग पीरियड, शादी का समय चल रहा था, मैनी मैरिज प्रोसेशंस अंडरवेंट क्वाइट हैवी लॉस, तो जितने भी मैरिज के कार्यक्रम होने वाले थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है इन दी फॉर्म ऑफ लाइफ एंड इंजरीज, ठीक है। द कार्स एंड स्कूटर्स, जो आपके ऑटोमोबाइल है, दे वर टॉस्ड अप बाय स्पीडिंग स्पीड, तो ये कितने अच्छा वर्ड है, टॉस्ड अप, ठीक है। डेस्ट्रॉयड बिल्डिंग के दिखाया था, गाड़ियों के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों स्कूटर, टॉस्ड अप, जब कोई जो विंड आ रही है उससे नुकसान पहुंचता है स्कूटर्स को, कार को, मोटरसाइकिल को, अपन लिखते हैं टॉस्ड अप। The vehicles were tossed up by speeding winds. फिर लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन लाइन को नुकसान पहुंचा, they were smashed, snapped. The whole city was plunged into darkness. अब बिजली चलेगी पूरी सिटी आपकी लड़ाक में चलेगी। The traffic came to a standstill. In some places there was stampede causing panic in the city. और जब ये सब हो गया तो जाहिर सी बात है कलेक्टर साहब पिक्चर में आते हैं, रिपोर्ट में ये होता है ना, जब इतनी घटना हो जाती है साइक्लोन की तो कलर्ट साहब को आगे अधिकारी बयान देना पड़ता है, वो डेफिनेटली कुछ ना उसका सोल्यूशन सुनाते हैं। तो जब डीएम साहब प्रभात कुमार को कांटेक्ट किया गया, इट वुड टेक 2 to 3 days, तो 2 से 3 दिन लग गए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर होने में, इन व्यू ऑफ द डिवास्टेटिंग डैमेज, इतना भयानक था। तो आपने इस रिपोर्ट में, साइक्लोनिक स्टॉर्म की इस रिपोर्ट में, मेरे ख्याल से जितनी बातें उस रिपोर्ट की स्टार्टिंग में डाली कि कब आया, पहले तो सब कब आया, लास्ट इवनिंग में आया, क्यों आता है, फिर आपने प्रॉपर रीजन दी, टेम्परेचर मर्करी शूटअप पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा था और वो कारण बना, पहले कारण बताओगे ना, पहले सीधा मत लिख दो कि इतनी डेथ होगी, कैजुअलिटी होगी, वो बाद में आएगा, पहले आपने कहा कब आया और वो क्यों, उसका बैकग्राउंड दिया कि इतने समय से टेम्परेचर बढ़ रहा था आपका, मर्करी जो है शूटअप हो रहा था और उस एरिया में डिप्रेशन क्रिएट हो गया था, जो टेक्निकल भाषा में लिखी आपने,
फिर आपने थर्ड नंबर पे लिखा ऑफिस सोर्सेस थे स्टेट कैपिटल के, उन्होंने कहा कि स्टॉर्म जो है तकरीबन 40 मिनट ब्लो किया। कितने तक पहले तो शुरू की होती लाइन में आपने स्टॉर्म को डिफाइन किया है, स्टॉर्म के बारे में बताया कि स्टॉर्म का नेचर कैसा था, क्यों आया स्टॉर्म, ठीक है, और उसके लास्ट में लिख दिया अराउंड 4,000 पीपल वर रेंडेड होमलेस। फिर आप जब आपने रीजनिंग कर दी है, उसके बाद में जो स्केल है ना कितना भयावह है, उस स्केल को प्रॉपरली बताओ कि 8 गांव बर्बाद हो गए, 35,000 जो किसान थे वो स्टॉर्म से बिल्कुल बेघर हो गए, उनके घर मिट्टी के बने हुए थे टूट गए, 24 महिलाओं जो है रिपोर्ट रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ड यूज करना है क्योंकि आप सरकारी आंकड़े जो लेके हिसाब से बात करोगे अपने मन से कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता, इसलिए हमेशा रिपोर्टेड या एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट, ये क्रिटिकल वर्ड्स है। 24 महिलाएं जो उनकी किल होने की रिपोर्ट आई है और एस्टिमेट बताते हैं आपको कि तकरीबन 5,000 पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म। दिस स्ट्रॉन्ग विंड्स रेज एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी जो स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ पे चल रही थी। तो ये बेसिकली आपने फ्लाइंग डेबरीज का भी दे दिया, फॉलिंग रूफ्स का भी एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, तो कुल मिला के फिर आपने वेडिंग पीरियड का भी दे दिया, जून की बात है वेडिंग पीरियड चल रहा था, कई मैरिज प्रोसेस होने थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, कार स्कूटर जो ऑटोमोबाइल था व्हीकल था दे वर टॉस्ड अप बाय द हैवी स्पीड, उनको स्पीड कम करनी पड़ गई या वो भी काफी नुकसान पहुंचा। तो ये कहा नहीं, फिर टेलीफोन लाइन लेड सी लाइन ये भी आपकी डैमेज हुई, फिर डीएम साहब को कॉन्टेक्ट किया, डीएम साहब ने बोला कि 2 से 3 दिन में हम उसको नॉर्मल कर देंगे किया। तो ये बेसिकली आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव आधार पे आपने रिपोर्ट लिखी थी साइक्लोनिक स्टॉर्म की, यही चीज आपको एग्जाम में लिख के आनी है। लेकिन साथियों क्या होता है कि ये तो मैंने रिपोर्ट बताई आपको, वो रिपोर्ट थी जिसमें घटना घटित हुई है, स्ट्रॉम आया है आगे चला गया, पास्ट टेंस में कवर किया, पर कई बार ऐसा भी होता है कि पिछली बार 18 में हुआ कोई पास्ट टेंस की खबर ना देके आपको इन जनरल पूछता है, कई बार पिछली बार एग्जाम में पब्लिक जू की स्थिति क्या है राजस्थान में उसके बारे में पूछा था। तो मान लीजिए ऐसा कोई आप रिपोर्ट लिख रहे हो जिसमें कि आप किसी सरकारी सिस्टम की वजह से कोई चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिक्कत में है या बहुत कमी है, उसको आपको एड्रेस करना रिपोर्ट में, तो उसमें पास्ट टेंस आप यूज नहीं करोगे क्योंकि वो तो आज भी है ना, वो समस्या आज भी है। अब गंगा नदी के बारे में बात करनी, गंगा नदी में पॉल्यूशन है तो आप खाली पास्ट टेंस का यूज तो करोगे नहीं, ठीक है भाई आज भी है, तो वहां पे ये पास्ट टेंस पैसिव वाला कंसेप्ट लगता है जो कि हमने पिछले पर्टिकुलरली उसमें देखा। ये जो आपका सेगमेंट है इसमें एक प्रॉब्लम को बताया जाता है, किसी प्रॉब्लम को जो उस स्टेट में है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आज भी है पहले भी थी। तो यहाँ पे मैंने बताया पहले जो आपको एग्जाम में दिया गया टॉपिक, टॉपिक से आप थोड़ा दिमाग लगा के टाइटल चूज करो। तो अगर मानो टॉपिक बोला है सिविल एमिनिटीज की हालत खराब है उत्तर प्रदेश में, उसमें टॉपिक आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे टाइटल में, लैक ऑफ सिविल एमिनिटीज, टाइटल क्या होगा लैक ऑफ सिविल एमिनिटीज, ठीक है, सिविल एमिनिटीज का अभाव, लैक ऑफ सिविल एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं सड़क पानी बिजली, ठीक है। उसके बाद या तो लिखो न्यूज़पेपर का नाम या जो रिपोर्टर, रिपोर्टर क्या है मीनाक्षी सुंदर का नाम लिख दिया मैंने पिछली बार एग्जांपल, मैंने आपको न्यूज़पेपर का नाम दिखाया था, वो आपकी मर्जी है, एग्जाम में देगा तो ठीक है नहीं देगा तो न्यूज़पेपर का नाम लिख देना कुछ भी रैंडमली। उसके बाद आपका नीचे थर्ड स्टेप पे ये सिटी कॉमा स्टेट, सिटी कॉमा आपका डेट, सिटी कॉमा डेट, ये हो गया आपका। तो ये आपका ये मतलब बेसिकली आपने जो आज से रिपोर्ट रिपोर्टर कवर कर रहा है इसका नाम मीनाक्षी है और आगरा से 5 मई की रिपोर्ट लिखी है, 5 मई को आगरा से इसने रिपोर्ट ये लिखी है, ये बेसिक बात है। तो ये आप बात कर रहे हैं कि ये कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं कि कोई गया स्थल पे, ये एक बेसिक अमिनिटी है जो काफी समय से समस्या दे रही थी वहां के जो नागरिक थे और उन्होंने शिकायत कर दी यहाँ पे और उसको फिर रिपोर्ट में छापा गया। चूंकि बात आगरा की है तो मैंने सेंटेंस शुरुआत कहां से करी थी, हिस्टोरिकल सिटी, शुरुआत यहां से हुई है आगरा से की, मतलब द हिस्टोरिकल सिटी, राजस्थान की शुरुआत भी आप ऐसे कर सकते हो, द हिस्टोरिकल सिटी हैज पेड हैविली फॉर बीइंग ए मेजर टूरिस्ट सी सेंटर, उसने काफी ज्यादा पे किया हैविली बिकॉज ए मेजर टूरिस्ट सेंटर इन द फॉर्म ऑफ डैमेज रोड, जो आप एक तरफ हिस्टोरिकल सिटी कह रहे हो उसको मेजर टूरिस्ट सेंटर बनाया है इसे, और दूसरी तरफ यहाँ पे मेजर डैमेज रोड डैमेज मिलेगा रोड पे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इरेटिक है हर जगह प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पर नहीं आता, सप्लाई या लैक ऑफ अदर बेसिक अम्यूनिटीज भी नजर की जाएगी, नजर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या कराया कि जो टूरिस्ट सेंटर है जयपुर की बात कर रहे हैं या आगरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने पहली लाइन में कटाक्ष छोड़ा है,
आपको लगना ना कि लैक ऑफ सेमिलेबिलिटी, तो आपने पहले लाइन में छोड़ा कि इतनी मेजर टूरिस्ट सेंटर होने के बाद भी यहाँ पे रोड की खड़के खराब, रोड जो है खराब है, इरेटिक लाइट सप्लाई है, सप्लाई एंड लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज है, ये लिख दी बेसिक बात आपने। तो आपने ये मैंशन कर दिया कि आपका अखबार के थ्रू क्यों छपा रहे हो, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी आपको सुन नहीं रहा है, तो वो भी जिक्र किया आपने। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ कंफर्ट, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन नेगलेक्टफुल ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस एस्पेक्ट से कंप्लीटली नेगलेक्ट कर चल रहा है। द प्रॉमिस मेड बाय द न्यूली इलेक्टेड मेयर हैज रोज्ड ए वे ऑफ रो होप अमंग द रेजिडेंट ऑफ द सिटी। आपको नए मेयर साहब चुन के आए होंगे, पुराने समय काम नहीं हो पाया, तो ये अपने आप अज्यूम करना है, टेक्निकली आपको सब अज्यूम करना, अपने आप कहानी कैसे बनाते हो। तो ये प्रॉमिस है, ये न्यूली इलेक्टेड जो मेयर है उसने कहा, उसने जो वो लोग रह रहे हैं वहां पे इंडियंस, उनके मन में एक यूरोप की हेगी जो एक भावना थी वो डेवलप कर दी है। ही आर्ग्यूड ऑफर इमीडिएट अटेंशन टू स्लोपी ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम। तो मेयर ने बोला कि इमीडिएट एक्शन लेंगे हम, ये स्लोपी जो स्लोपी सिस्टम है ड्रेनेज का और सीवरेज सिस्टम का, हम इस पर इमीडिएट काम करेंगे। ये आपने मेयर के पास गए, प्रॉमिस किया और मेयर ने फिर आपने एश्योरेंस दिया। तो ये न्यूज, ये चीज उस पर्टिकुलर रेसिडेंट उस एरिया के लिए काफी अच्छी थी। द रेसिडेंट ब्रॉट टू नोटिस, रेसिडेंट ने उसके जो नया मेयर बनाया है उसके उसके नोटिस में ओल्ड ड्रेनेज पाइप को लेकर आया, दिखाया उसने ओल्ड ड्रेनेज पाइप की हालत क्या है, एंड नीड टू बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। The broken roads and depression are a result of watering up. और broken road है, broken depression ये भी दिखाया और बताया कि they are basically result of water logging caused by silting. तो जब भी आपका water log एक जगह पानी गड्ढे में इकट्ठा होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, silting. तो आपका data factual, मैं अगेन बोल रहा हूँ, report में ऐसे मन से नहीं, जो वास्तव में होता है वही तो अखबार लिखता है। तो depression गड्ढे पड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्या है, silted road पे और चौक ड्रेन आपके चौड़े होंगे, तो ये सब कारण बनेंगे आपका पर्टिकुलरली डिप्रेशन के बाद वाटर लॉगिंग होने के, टिक नहीं पाएगी वहां पे आपकी सड़क रोड। और हमने ये भी लिख दिया कि मेजर तो उठाए गए हैं लेकिन हाफ हर्टेड मेजर से, तभी तो हमने रिपोर्ट छपाना एक बार में ताकि सरकार सुध ले इसकी। अगर हमको नॉर्मली काम हो रहा था तो हम शायद नीचे पाते रिपोर्ट, तो हाफ हर्टेड मेजर लिए गए हैं लाइक डिसल्टिंग एंड क्लींसिंग दी सीवर विल नॉट, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटी को बोलोगे तो एक दो बार बोलने पे वो आना ही पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर हम लिख दिया आपने बिल्कुल कि हाफ हर्टेड उसने काम तो किया है बट हाफ हर्टली करके दिया है, तो डिसल्टिंग एंड क्लींसिंग दी सीवर विल नॉट सर्व एनी पर्पस, दी प्रॉब्लम नीड्स टू बी टैकल फ्रॉम दी रूट्स। तो आपने यहाँ पे विषय कर दिया कि प्रॉब्लम जो है उसकी रूट से ही समाधान निकलेगा, इंस्टीड ऑफ चौक ड्रेन को वापस साफ करना, ठीक है, अनह्यूमन प्रैक्टिस करवाना, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने लिखा लैक ऑफ सिविलिटीज वाला चिट्ठी। एक और लेके साथियों, देखो एक अपना एक और एग्जांपल, कई तरह एग्जांपल्स थे, एक मैंने एग्जांपल लिया कम्युनल राइट्स का, एक मैंने आपको एग्जांपल लिया कम्युनल राइट्स का। देखो ये भी केस है, ये भी आए दिन आप देखते होंगे ना अखबारों में आता है इसके बारे में भी कि दंगे हो गए हिंदू मुस्लिमों के बीच में या सिख और किसी औरतों के बीच में। तो ये कॉमन जो अखबारों में देखोगे तो वैसे ही कितना कमाल हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, पर स्टिल कमी रहती है तभी हम लोग यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं। तो कम्युनल राइट का अगर टॉपिक आ गया कि कम्युनल राइट के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, न्यूज एजेंसी का नाम या आप कॉरेस्पोंडेंट का नाम, और सेकंड पे आता है सिटी, सिटी के बाद कॉमा, कॉमा लाके पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर एजेंसी का नाम, सेकंड पे सिटी, कॉमा लाके डेट लिख दिया, फिर आप सारी बात इससे कम्युनराइट कब हुआ, क्यों हुआ, सारी बात हो यहाँ पे। तो लास्ट इवनिंग कम्युनराइट्स ब्रॉक आउट इन राजपुर लोकेलिटी के अंदर, ये कम्युनराइट होता है आपका, तो एग्जाम में दिया है, ठीक है, नहीं दिया तो मन से कुछ भी आप जगह चूज कर लो। मोस्ट ऑफ द पीपल, अब जब ये कम्युनल राइट होते हैं इस तरह के दंगे फसाद, सबसे ज्यादा असर पड़ता है उन लोगों का जो कि उस एरिया के आसपास रह रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस लोकेलिटी आर मुस्लिम, आए थे मुस्लिम लोग रह रहे थे यहाँ पे। लास्ट इवनिंग ए रूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर दैट ए सिटी मॉस्क हैड बीन डिसक्रेडिटेड एज सम ऑफ द पीसेस ऑफ पॉक वर फाउंड इन द मॉस्क। तो ये एक खबर लास्ट इवनिंग रूमर स्प्रेड हो जाती है कि सिटी में जो मॉस्क है,
वहां पे उस मॉस्क में कुछ समय के लिए वो उसको उसको खाली करा दिया गया है, और मतलब कि एक एक वो अशुद्ध हो गया क्योंकि वहां पे एक पॉक का पीस पाया गया है, पॉक का पीस वहां मिला है, इस वजह से वो अशुद्ध हो गया है। दी रूमर कैप्ट ऑन डूइंग द राउंड्स ऑफ द सिटी, और रूमर ये पूरी सिटी में घूम रही थी। तो 20 यूथ गैदर एट द मॉस्क एंड स्टार्टिंग शाउटिंग, और 20 यूथ थे वो वहां पे मॉस्क में आए, और उन्होंने एंटी हिंदू मतलब स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए। ग्रुप ऑफ द यूथ टुक द फॉर्म ऑफ, और जब ये नारे लगते हैं मुस्लिमों द्वारा, बच्चों द्वारा, तो ये पूरा पूरा मॉब वहां पे एजिटेटेड हो जाता है, और वो मार्च करता है टुवर्ड शिव मंदिर, हिंदी डोमिनेटेड एरिया में मार्च करता है क्योंकि वो अपने हिंदी एरिया में जाएंगे। दे शाउटेड, ये प्रोवोकेटिव स्लोगन शाउट करते हैं, द हिंदूज ऑफ द लोकेलिटी ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर होम्स, हिंदू की जो लोकेलिटी वो भी अपने घरों से बाहर निकलती है। तो साथियों मैं बता रहा हूँ आपको कि रिपोर्ट जब लिखते हैं ना तो उसमें सारे फैक्चुअल डेटा आ रहे हैं कि कब क्या हुआ। फिर आपने जब इंफॉर्मेशन रिसीव हुई तो पुलिस इमीडिएटली स्वंग में एक्शन में आ गई, दी पैसिफाइड दी मुस्लिम्स एंड परसुडेड टू गो बैक एंड वेरीफाई दी फैक्ट्स। ठीक है, पुलिस मिल आ गई और उसने मुस्लिमों को शांत किया, उनको परसुएड किया वो घर जाए, फैक्ट को पहले फैक्ट वेरीफाई करें कि वास्तव में ये जो आपका पॉक का पीस हिंदू ने फैलाया गया। ठीक है, वेरीफाई करो उसके बाद बात करो। दे हैड देमसेल्फ सेंट अ पुलिस पार्टी टू द मॉस्क एंड हैड रिसीव द रिपोर्ट दैट देयर वाज नो एक्ट ऑफ, और जब ये पुलिस बोल रही है कि हमने एक कुछ लोगों को भेजा था पुलिस पार्टी को, तो उन्होंने उनके पास रिपोर्ट आई है कि बेसिकली डेस्क्रेशन का कोई केस था ही नहीं वहां पे। जैसा कि एंटी सोशल एलिमेंट वहां फैला रहे हैं, तो आपने ये भी लिंक करा कि जो जो कारण है ना वो कारण सही नहीं है, क्योंकि ये पुलिस की इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड है वो आपने वहां से मेंटेन किया है। बट शॉर्टली जैसे ही घटना होती है दूसरे मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी में खानपुर, ए हाउस वाज सेट ऑन फायर, स्टेबिंग केसेस वर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दी स्मॉल एरियाज, व्हेन हिंदू केम आउट दे शाउटेड एंटी मुस्लिम स्लोगन्स एंड हर्ल्ड स्टोन्स इन एट द मुस्लिम मॉब। तो पूरी चीज में आपने कमू राइट को बताया यहाँ पे, देखो इमीडिएटली स्वंग इन टू एक्शन, मतलब कि मतलब ऐसा आया कि दे पैसिफाइड दी मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिमों को स्वंग एक्शन का मतलब ये नहीं कि तुरंत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पहले उन्होंने मुस्लिमों को समझाइश की कोशिश की, उनको परसुएड किया कि बेसिकली वो फैक्ट को देखें कि वास्तव में जो आपका वो पॉर्क है वो हिंदू द्वारा फैला गया है नहीं फैला गया है। दे हैड देमसेल्फ सेंट अ पुलिस पार्टी, और पुलिस पार्टी जो है मतलब कि एक आती है मॉस्क पे और रिपोर्ट रिसीव करती है कि, और वो बोलते कि कोई ऐसा डेस्क्रिप्शन का मतलब एक्ट है ही नहीं, मतलब जो ये बात थी उसको खारिज कर दिया उसने। उन्होंने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट इसको गुमराह कर रहे हैं। फिर ये आपके जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी खानपुर की, वहां उसको पूरे गांव को घर को जला दिया गया। इस टाइप केसेस वर आल्सो रिपोर्ट ऑफ सेम बाय हिंदूज केम आउट द शाउटेड एंटी मुस्लिम, तो अब हिंदू आ गए यहाँ पे, इस एरिया में हिंदू डोमिनेटेड एरिया। तो ये आपस की लड़ाई कम्युनल वायलेंस को इस केस में कवर किया गया। तो कम्युनल राइट्स के क्वेश्चन कैसा भी आया उसमें दो कम्युनिटी मानो बेस्ट है, हिंदी मुस्लिम का केस होता है। पहले एक दो स्टार्टिंग में आपका कि वो जो इंसिडेंस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कौन सी लोकेलिटी में हुआ है, और उसमें कितने लोग बेसिकली इन टोटल सही पार्टी के कितने लोग इसमें हराए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक फीचर। तो आई थिंक कम्युनल राइट को मैंने इन डिटेल कवर कर दिया है। ये अब पुलिस क्या स्टेप उठाती है, पुलिस वो स्टेप लिख दो या चाहो तो यहाँ पे पुलिस स्टेप उठाती है, टीयर गैस छोड़ती है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, पुलिस को तीर के छोड़ती है। उसके बाद शेल्स वर फायर टू डिस्पर्स द क्राउड, शेल्स को फायर किया जाता है कि जो क्राउड है उनको डिस्पर्स कर दें, मतलब भीड़ को तितर बितर कर देना, उसके लिए टीयर गैस तो वास्तव में इस्तेमाल होता भी, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इन टर्न द पुलिस वर ऑल्सो अटैक, पुलिस पे भी अटैक किया गया, मॉब स्टॉन्ड द पुलिसमैन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ टू पुलिसमैन वर इंजर्ड, दो पुलिसमैन इसमें इंजर्ड भी हो गए इस प्रोसेस के अंदर। द सिचुएशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द रिपोर्ट्स ऑफ किलिंग एंड स्टैबिंग फ्रॉम अदर एरियाज स्टार्टेड पावरिंग, अब ये दूसरी रिपोर्ट आ गई कि अब आपके किलिंग और स्टैबिंग के दूसरे एरिया से ये होगी, वहां से न्यूज आ रही है कि पुलिस एट वन इम्पोज कर, पुलिस ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, दे वर हैवी पेट्रोलिंग इन द एरिया, द फायर ब्रिगेड वर प्रेस इन टू सर्विस, एज केसेस ऑफ आर्सन एंड लूटिंग इंक्रीज। ठीक है, फायर जो ब्रिगेड थी उसकी उसकी जो सर्विस थी ना वो मतलब थोड़ी सी आपकी टफ थी, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं कि वो एक गाड़ी कई जगहों में जाती है,
The fire in certain area could not be brought under control because of nerve lines and by the lanes. कुछ एरिया में आप यहाँ पे कर नहीं पाए वैक्सीनेशन वाला काम, फायर को रोक नहीं पाए यहाँ पे, क्योंकि वो लेन काफी नेरो था। तो आप ऐसा इस तरह की चीजें घटित होती है ना, तो लेन जगह का साइज बहुत छोटा नैरो लाइन से या नैरो एरिया है, नैरो लेन है वहां पे, सड़कें पर पतली पतली संगड़ी संगड़ी से सड़कें हैं, तो कैसे कर पाओगे? तो इसमें एक स्कोप छोड़ दिया इसने, स्कोप छोड़ दिया दी फायर इन सर्टेन एरियाज कुडंट ब्रॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ नैरो लेन्स एंड बाय लेन्स। वो तो घुटके हवा जो है ना, मतलब कि कभी उस कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। The DM Prabhu Singh claimed that the decision was plunder, but admitted that in coming days were very crucial to bring peace and normalcy to the steady tone city. So again, DM साहब का जिक्र, DM साहब की कह रहा है वो आपने लगाई यहाँ पर रिपोर्ट में, DM Prabhu Singh है, उन्होंने क्लेम किया सिचुएशन जो है पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जनरली वो ये उनके जवाब आते हैं, but admitted that the coming days were very crucial to bring peace. लेकिन ये भी एडमिट किया आने वाले दिन बहुत इसके लिए भयंकर रहने वाले हैं अगर प्रिकॉशन रखा नहीं गया तो। तो ये पूरी कहानी, इसमें हमने सारी पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया कि पहले आपका क्या आएगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर आप लिखोगी कमन राइट जो है कहाँ पे कौन सी जगह पे हुआ और किस कारण से हुआ, वो कोई इवेंट होता कि कहाँ पे हुआ किस कारण से हुआ, और यदि कुछ फैक्टर्स है तो फैक्टर्स लिख लो और कोशिश करो बेसिकली कि जो अपने जब आंसर फ्रेम कर रहे हो तो तीन से चार, मुश्किल से तीन से चार पैराग्राफ में खत्म करना रिपोर्ट, मैक्सिमम तीन से चार पैराग्राफ में, इस तरह ले जाना नहीं है, और टू दी पॉइंट फैक्चुअल, और थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार जेन्युइन में इस तरह की रिपोर्ट अखबार में आती है, तो वो ही लिखो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना इसके अंदर, ज्यादा एक्सपेरिमेंट भूल के मत करना, जैसा कि आप किताबों में दिखता है ना, दो तीन रट जाओ अपने दिमाग में डालो वैसा ही आएगा, तो छप छाप देना उसे, हर वेरायटी के एक देख लोगे तो पांच छह रहेंगे। मैं भी मैं कोर्स करवा दूंगा आपको अनअकैडमी प्लस, मैं एक पीडीएफ दे दूंगा आपको प्लस कोर्स पे कि पांच छह दूंगा डिफरेंट टाइप के आपके पर्टिकुलरली ये जो हमारे आते हैं और डिटरमिनेट करने के लिए, और उसमें हम आराम से निकालेंगे। तो यही बात है, जब जिस तरह का रड होता है तो पुलिस टीयर गैस छिड़कती है भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, फायर गैस, फायर भी ऊपर आसमान में फायर भी करती है, पर स्टिल कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ किलिंग एंड शैबिंग फ्रॉम टू फ्रॉम अदर एरियाज स्टार्ट पाउरिंग। साथ ही इसी तरह चाइल्ड मैरिज का टॉपिक आएगा, चाइल्ड मैरिज में भी यही कहानी, सेम कहानी जो बताई मैंने आपको चाइल्ड मैरिज में भी यही है, बस खाली ये है कि शब्द बदल जाएंगे, हेडिंग तो वही रहेगी, उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम और उसके कोरस्पोंडेंट ने भी किया उसका नाम लिख दो यहाँ पे, और फिर सेकेंड लाइन पे आपका जिस चीज की ड्रग चाहिए कॉमा फिफ्थ में। तो अगेन वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, देखो यही मैं आपको बता रहा हूँ चाइल्ड मैरिज का केस है तो क्या करना है इसमें रिपोर्ट राइटिंग में। सबसे पहले आपने लिखा टाइटल, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद आपका प्लेस, कॉमा डेट। तो अब चाइल्ड मैरिज केसेस में आप कौन स्टार्ट करता है, सरकार इन्वॉल्व होती है, सरकार की एजेंसी। तो हम जानते हैं कि जो महिला आयोग है वो चाइल्ड के लिए पूरा केयर करता है, तो नेशनल वुमेन कंपनसेशन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट चाइल्ड मैरिज बीइंग celebrated with the connivance of the authorities and political leaders. तो जो National Women Commission ने कहा कि जो चेयरमैन ने काफी चिंताएं जो एक्सप्रेस करी है चाइल्ड मैरिज को लेके, क्योंकि जो अथॉरिटीज और पुलिस लीडर है ना वो ज्यादा काम करते हुए दिखी नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक त्यौहार अक्ति और आका तीज अक्षय तृतीया जो आता है, अक्षय तृतीया जो है बहुत अच्छा माना जाता है इनके अनुसार फॉर मैरिंग डॉल्स, जो कम एज की लड़की को शादी करने के लिए, ये बहुत अच्छा मानते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, पूरे में सेलिब्रेट होता है बाय वेडिंग्स ऑफ हंड्रेड ऑफ, एक दिन में 100 से ज्यादा बच्चे शादी करते हैं पर्टिकुलरली गर्ल्स। इट इज एन एनुअल रिचुअल, ये एनुअल रिचुअल है एंड गवर्नमेंट फाइंड इट सेल्फ हेल्प इन रूटिंग आउट दिस इवल, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको रोकने की। तो पहले आपने क्या बताया कि बेसिकली ये क्या है और कहाँ पे कौन सी जगह पे ये इसका मेजर इंपैक्ट है, तो मेजर इंपैक्ट मिलता है राजस्थान के अंदर, वो आपने जिक्र दिया उसको, फेस्टिवल वो उसकी जड़ है, वो उसकी जड़ हो गया ना, वो रीजन बता रहे हो आप कि ऐसा क्यों होता है, चाइल्ड मैरिज क्यों होती है, क्योंकि वो पहले बेसिकली वो अख्तियार और ये जो सुपरस्टिशन है कि अक्षय तृतीया बहुत वो रहेगा अच्छा रहेगा और डॉल की शादी कर देते हैं छोटे बच्चे से, ये सब सुपरस्टिशन है, इसके लिए नुकसान होना पड़ता है। खैर आपको रिपोर्ट है फैक्चुअल लेना है,
तो ये लिख दिया आपने सर्टिफिकेट ऑल दी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो लोग नहीं जाते वो मतलब बेसिकली यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो ये है आपका, और ये जो ये वेडिंग ऑफ चिल्ड्रन एक साथ काफी लोगों की हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, ये एनुअल रिचुअल है, गवर्नमेंट फाइंड इट हेल्पलेस इन रूटिंग आउट दिस इवल, तभी तो छप रहा है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों छपता। द एनफोर्समेंट ऑफ शारदा एक्ट और द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1978 इज वेरी डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल रीजन। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा, उसको कनेक्ट किया किसी इवेंट से, कनेक्ट किया आपने, आपने इवेंट से कनेक्ट किया शारदा एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट 1878 का, बहुत डिफिकल्ट है ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल रीजन। तो चाइल्ड मैरिज जो रीस्ट्रेन एक्ट है 1978 का, ये अभी तक जो है आपका पॉलिटिकल रीजन से एनफोर्स नहीं हो पाया है, शारदा एक्ट भी यहां से अभी तक एनफोर्स नहीं हो पाया है। और यहाँ पे आपने पॉलिटिकल रीजन को जुड़ा ठहरा, इफ पेरेंट्स फाइंड सुटेबल मैच द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम इज इन, यानी पेरेंट्स को सुटेबल मैच भी मिल जाता है, तो ब्राइड की और ग्रूम की एज काफी मिसमैच होती है, ये चाइल्ड मैरिज में होता ही है, मिसमैच रहेगा काफी इतना एज के अंदर। और अभी बाय द वे चाइल्ड मैरिज का टॉपिक बहुत सुर्खियों में रहा भी था, जो बिल आया भारत सरकार का बहुत सुर्खियों में रहा है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो करंट में न्यूज में भी है, सवाल यहाँ से बन सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट डिनाई, ये फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गए, तो जो प्रशासन है उसको कहना है, उसका कहना ये है इट डजंट डिनाई द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट इन द एरिया, वो बोलते हैं नहीं हाँ आप सही है आपकी बात होती है। द ऑफिशियल आर नॉट अलर्ट टू स्टॉप, आपने ऑफिशियल पर भी आगे लिखा कि ऑफिशियल जो है वो अलर्ट नहीं है यहाँ पे इसको चेक करने के लिए प्रोसीडिंग को। वी आर ट्राइंग टू विजिट एवरी मैरिज वेन्यू एंड चेकिंग बसेस, तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मैरिज वेन्यू वहां पे जाए पर्सनली, या जो बस चल रही है व्हीकल चल रहे हैं उसको हम चेक करें जो भी बराती को लेके जा रहे हैं। एंड दी ब्राइड ग्रूम पार्टी वी कैन टेक एक्शन ओनली, हम स्पेसिफिक कंप्लेन पे ही एक्शन ले सकते हैं। ये किसने बोला है आपको, ये रंजीत सिंह द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब डीएम का बयान भी लेना, हमेशा जब भी कैजुअलिटी हो, एक्सीडेंट हो, साइक्लोन हो, चाइल्ड मैरिज हो, डीएम साहब तो आएंगे पिक्चर में, राज्य के सर्वे सर्वा तो है, राज्य के सर्वे सर्वा है। तो आपने डीएम का बयान भी लिया कि वी कैन टेक एक्शन, उनके लिखते ना पैकेट, वी कैन टेक एक्शन ओनली ऑन स्पेसिफिक कंप्लेन, श्री रंजीत सिंह द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एरिया ऑफ दुर्ग। एनजीओ फॉर फोरम, एनजीओ फोरम फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन FIL, ये PIL हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एनजीओ है फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग। इसने एक PIL फाइल किया जिसमें एलिज किया गया स्टेट राजस्थान मध्य प्रदेश उड़ीसा, उन्होंने उनमें कंप्लीटली आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है। इसी वजह से प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज वाइडली प्रीवेलेंट इन दी स्टेट। तो ऐसा लिखा उन्होंने कि जो आपका ये चाइल्ड मैरिज का रीस्टेंट एक्ट है ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रीवेलेंट केसेस आते हैं। तो आपने लिंक किया उसको क्योंकि घटना छत्तीसगढ़ की दुर्ग थी, तो आपने लिंक कराया छत्तीसगढ़ के आदमी उसको, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में उसको लिंक करने की कोशिश करो कीवर्ड को देखते हुए। तो रिपोर्ट राइटिंग फैक्चुअल थी, मैंने यहाँ पे आपको जो जो यूज करा, पहले तो मैंने एक्ट देखो जो है एक्ट कोई है उसका लिखो, आप अखबार में रिपोर्ट पढ़ते हो एक्ट लिखता है ना वो, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है तो उसका एक्ट तो नाम आना ही चाहिए, और डेट ईयर बिल्कुल सही 1978, ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट ही, चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेन एक्ट है। दूसरी बात ये है आपका कि यहाँ पे आपने ये भी डिफाइन करा कि इस चाइल्ड मैरिज के कितना नुकसान होता है, आपने सारी बातें लिखी है कि मतलब जो है इस तरह होती है कि मैं डॉल, ये मतलब अथॉरिटीज पॉलिटिकल के साथ में क्या समस्या है या इन जनरल क्या समस्या होती है वो सब लिखी है आपने यहाँ पे। प्लस आपने बताया कि बेसिकली ये जो ये स्पेसिफिक कंप्लेन जो आती है उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है इस समय, और सुधार क्या होना चाहिए। तो सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, बेसिकली स्पेसिफिक कंप्लेन मार्क कर दी जाती है किसी अधिकारी के नाम पे, डीएम के नाम पे कर दी, और डीएम साहब फिर जो है उसकी इंक्वायरी बैठा के ये जैसे भी काम करना करते हैं। तो ये पूरी एक शॉर्ट में दो पैराग्राफ में आपने चाइल्ड मैरिज की स्टोरी लिख दी, स्टार्टिंग कर दी नेशनल महिला आयोग से, महिला आयोग ही बेसिकली चाइल्ड मैरिज चाइल्ड के केसेस का देखता है। तो साथियों ये सवाल आया था RS मुख्य परीक्षा 18 में, सवाल ये था। तो जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, वही चीज, जरूरी नहीं कि हर इवेंट आपका पास्ट टेंस में ही हो, कभी कभार एग्जाम में इस तरह के सवाल लेते हैं जिसमें कि एक पॉइंट लिख देगा आपको, वो पास्ट में ही है तो उसको आपको प्रेजेंट में लिखना है। सवाल था
राइट ए रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पब्लिक जू इन राजस्थान में जो पब्लिक जू है उनकी हालत बड़ी खस्ता है, राजस्थान के पब्लिक जू की हालत बड़ी खस्ता है, इसको रिपोर्ट बनाओ। सबसे पहले आपके लिखोगे ऊपर हेडिंग में पैथेटिक कंडीशन ऑफ राजस्थान, पैथेटिक कंडीशन ऑफ राजस्थान या पैथेटिक कंडीशन ऑफ या पैथेटिक कंडीशन ऑफ जू, पैथेटिक कंडीशन ऑफ जू ऑफ राजस्थान, ऐसे लिख दो पैथेटिक कंडीशन ऑफ जू ऑफ राजस्थान। तो आपने लिख दिया हेडिंग में एक तीन चार वर्ड पैथेटिक कंडीशन ऑफ जू ऑफ दिस राजस्थान लिख दिया। फिर आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले क्या उसका उसका नाम अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस लिख दिया आपने। अगर अखबार का नाम यहाँ पे दिया है कोई तो वो लिख दो, अदरवाइज देखो द इंडियन एक्सप्रेस। फिर नीचे सेकंड लाइन में क्या आएगा आपका, सेकंड लाइन में आपके डेट और कॉमा लागे प्लेस। तो अगर ये जयपुर में है जोधपुर में है तो लिखो डेट यहाँ पे फिफ्थ, आज तारीख है अपनी आज की तारीख 8 जनवरी, तो 8 जनवरी और कॉमा लागे प्लेस। अगर जयपुर में जयपुर लिख दिया आपने तो शुरू की दो तीन लाइन तो खप गई आपके इसमें स्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो आपने हेडिंग लिखी, हेडिंग में क्या आएगा पैथेटिक कंडीशन, कुछ ही बना सकते हो, मैंने बनाया पैथेटिक कंडीशन ऑफ जू इन राजस्थान। फिर ऊपर टॉप पे पहली लाइन में जस्ट बाद वहां पे आपने लिख दिया उस न्यूज़पेपर का नाम इंडियन एक्सप्रेस, सेकंड पे आपने लिखा डेट 8 जनवरी कॉमा जयपुर, ये शुरुआत हो गई। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप सारे रिपोर्ट्स के जितने भी डायमेंशन है कि जू में गए थे, फिर आप सरकारी आंकड़ा भी दिखाओगे इसमें, सरकारी आक्षेपण कहते हैं कितने कहते हैं, और उस जू में प्रॉपर सर्विसेज नहीं होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, वो जू जो है उसमें प्रॉपर जो आपकी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है जानवरों को, तो वो भी आप एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आप फूड शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड शेल्टर इंफ्रा सबके बारे में लिखो, प्लस जो हमारे वहाँ पे एनिमल्स हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जो जू का स्टाफ है उसको क्या समस्याएं आती हैं, क्या खाना प्रॉपर है उनके लिए, क्या पानी प्रॉपर है, तो आप इंफ्रा पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा दोगे। तो कई बार रिपोर्ट ऐसी आती है जो प्रेजेंट टॉपिक पे, मतलब ये पास्ट में नहीं है, वो तो कंडीशन लिखोगे, जैसे आगरा वाला जैसे एग्जांपल मैं कराया था वो तो आगरा वाला, ये आगरा वाला केस। अब आगरा में आपका लैक ऑफ सिमिलैरिटीज है, तो इसमें ये कब लिखा है कि ये पहले की आज भी है ना, ये जो रिपोर्टर लिख रहा है ये उससे मांग लिख रहा है कि आज भी है, पहले भी थी और आज भी, इसने यहाँ पे हैज वर्ड यूज करा है, ठीक है। तो इसे पास्ट टेंस में यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि बेसिकली ये जो हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर पेज वो एक मीडियम में लिखेंगे, ठीक है, और उसका एक मीडियम जो मीडियम क्या रहेगा आपका, अगर टेंस इस्तेमाल कर रहे हो पुरानी घटना है तो पास्ट टेंस में, और अगर वो घटना है जो आपकी पहले भी हुई थी आज भी है, जैसे कि ये एमिनिटीज का अभाव है, तो उसको लिखो प्रेजेंट टेंस में। सेम जो आपका जू वाला केस है इसको हमें लिखा, मतलब जू में कंडीशन आज भी है ना, तो प्रेजेंट टेंस में, और लिख दो कि मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था वहां पे, मैं वहां पे लास्ट टाइम विजिट करने गया तो ये हालत दिखी मुझे, प्रॉपर यूरिनल फैसिलिटी नहीं है उनके लिए, पानी के लिए सुविधा नहीं है जानवरों के लिए, और प्लस आपका मेन इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का लगुना है, सिस्टम का फंड यूटिलाइज नहीं होता, ये सारी बातें जो इसमें लेटर राइटिंग में जो प्रॉब्लम्स आप देखते हो ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक अखबार में पढ़ते हो वही सारे पॉइंट घिसा बिठा के यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक प्रयास छोड़ा था मेरे साथियों, आरएस मेज का सवाल था जिसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी पब्लिक जू इन राजस्थान के बारे में, मैंने बताया कैसे अप्रोच करना है, याद रखें इस बात को, और कोई भी डाउट हो दिक्कत हो तो एटलीस्ट लिख लिख के पुराने सारे पेपरों के जवाब लिख लिख के एक बार देख लेना, कंटेस्ट कर लेना, उससे बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको। मेन सा सारा खेल यही है कि आपने कितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करी है उसी पे पूरा दामादा टिका रहता है। प्री में तो पेपर ऑब्जेक्टिव था लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, दोनों चीजें याद भी समझना, दोनों काम करने पड़ेंगे राजस्थान की तैयारी में। खैर तो ये सवाल इसमें मैंने बता दिया किस तरह स्ट्रक्चर रखना है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको रखना है और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे टोटल आपको ये ऐसे को लिखना है। यहाँ पे डेट कहाँ आएगी, नाम क्या आएगा और पूरी कहानी अप टू डेट रीजनिंग प्रॉपर रीजनिंग के साथ में क्या क्या हुआ, क्या इमीडिएट एक्शन लिया, सारी बातें, ये रिपोर्ट तब मानो 10 में से आपको 7 नंबर 7.5 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपने सारी बातों को ध्यान रखा। ये स्ट्रक्चर गलत होता है उसको वैसे भी 3 नंबर ज्यादा मिलते ही नहीं है। सबसे बेसिक है स्ट्रक्चर, तो साथियों ये प्रयास था मेरा, मैंने कल लेटर राइटिंग के बारे में बात की थी, आज मैंने आपसे बात की रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, छोटा सा प्रयास कि इससे रिपोर्ट राइटिंग से कुछ आपको बेसिक पता लग जाए कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है और थोड़ा सा उस डायरेक्शन में आप काम कर सके। तो साथियों बहुत धन्यवाद आपका, अभी हमारा अनअकैडमी का प्लस कोर्स मेरा कल आ ही रहा है और
उसमें मेरा कोड NEVTEN इस्तेमाल करके आप प्लस कोर्स को ले सकते हो। कल से मैनेजमेंट अथॉरिटी की, सॉरी परसों 10 तारीख से आ रहा है, तो मेरा कोड NEVTEN और मेरे कोड से प्लस पे आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट 10% का मिलता ही है। प्लस आप किसी भी एजुकेटर, कोई भी लेक्चर इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद देख सकते हो। तो आंसरिंग सेशन भी लगेंगे अपने, डिटेल में प्रैक्टिस की जाएगी और सिलेबस में जो टॉपिक बच गया उनको कंप्लीट सिलेबस के तौर पर कर देंगे। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे अनअकैडमी के प्लस कोर्स के। उसके अलावा सारी जो लोग लड़के सेलेक्ट होते हैं वो इस तरह टेस्टिमोनी देके हमारा अभी 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 वंदन करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर किसी को फायदा मिल गया हमारी वजह से, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक चीज़ है, उम्मीद करते हैं कि आपका भी कल को नाम RS में आए और बेसिकली आप भी इस तरह लिखें। खैर हमने कोशिश जरूर की है, आगे भी करते रहेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। तो साथियों ये मेरा प्रयास था रिपोर्ट राइटिंग का, प्रैक्टिस कर लेना, जो लेक्चर को थोड़ा लेट दिख रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हर टॉपिक की प्रैक्टिस कि यार मुझे इस पे आ गया तो ये लिखना है, म्यूनसिपैलिटी पे कंप्लेंट के साथ ये लिखना है, अगर कोई एक्सीडेंट का तो ये, फायर का है तो ये, थीफ चोरी हो गई थीफ थेफ्ट का तो ये लिखना है, और अगर आपको कोई साइक्लोन आया फ्लड आया उसका ये, तो इस लैंग्वेज हर रिपोर्ट की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो साथियों बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ रहे, हैव ए वेरी नाइस डे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू।